नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बताना चाहेंगे, वार्ड नंबर 1 के साहुल अमित कल तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने का कारण बताया और कहा कि कैसे वे तेलुगु देशम पार्टी में रहकर लोगों की मदद करेंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित अब्बा माया हेडो के यहाँ पर। जैसा कि हमने बैक टू बैक आपको कवरेज दिखाई थी मिस्टर साहुल अमित जी का, और आज साहुल अमित जी कांग्रेस अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस को छोड़कर TDP तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसी विषय में हम मिस्टर साहुल अमित जी से बात करेंगे। नमस्कार, मैं साहुल अमित वार्ड नंबर 1 से। आज मैं, आप सब जानते हैं कि 2014 से लेकर मैं जो है फ्रंट फुट पर रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने काम किया। रात दिन वार्ड नंबर 1 में हो या हर एक एरिया में मैंने जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने मेहनत किया, रात दिन काम किया। मैं डिजर्व करता हूँ उस पोस्ट के लिए, उस काउंसलर जो हमारे जो टिकट था। बट कुछ कार्यवश, कुछ वजह से जो है उन्होंने हमें खो गया, उन्होंने मतलब हमें साथ नहीं दिया। तो हमारे पूरे हेडो वार्ड नंबर 1 के मतलब माँ बहन, हमारे दोस्त, हमारे जितने हमारे जो सपोर्टर्स हैं सबके सब लोगों ने मिलकर हमें ये कहा कि अगर भैया हाथ आपको साथ नहीं है तो क्या हुआ, अब हम आपको साइकिल में बिठाकर म्यूनसिपल पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, मैंने उनका बात रखते हुए मैं जो है आज तेलुगु देशम पार्टी में हमारे नारा चंद्र नायडू सर के नेतृत्व में, मैं हमारे मानिक राव जी जो TDP के प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में मैं और आप पूरे जनता के सामने मैं तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी कंधा से कंधा मिलाकर मुझे साथ देकर मुझे विजय बनाकर आप लोग, हमारा जो निशान है साइकिल का निशान है, मुझे विजय बनाकर आप लोग जो है मुझे म्यूनसिपल काउंसिल भेजिएगा। और मैं रात दिन आप लोगों को जात धर्म ना देखते हुए देखिए इलेक्शन जब होता है तो 7,000 वोटर्स है तो कुछ लोग मतलब कम से कम 6-7 कैंडिडेट खड़ा होता है तो किसी को मतलब जो है उसमें किसी को 2,000 मिलता है कि जितने हमारे। मैं आपसे ये वादा करूँगा, मैं जीतने के बाद 7,000 वोटर जितना है मैं वो 7,000 वोटर्स के लिए मैं काम करूँगा, चाहे मुझे वोट दे या ना दे। मुझे पूरा भरोसा है कि 7,000 वोटर भी मुझे वोट देंगे। अगर बाई चांस किसी कार्यवर्ष ना भी दे पाए तो भी मैं वो 7,000 वोटर्स के लिए मैं सिर्फ 7,000 के पूरा पोर्टब्लेयर के लिए मैं काम करूंगा, पूरा अंडमान निकोबार के लिए मैं काम करूंगा और पूरे मैं TDP के नेतृत्व में हर जगह के जाकर मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूं और काम करूंगा। और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एक बार आप लोग मुझे एक साथ दीजिए और साइकिल निशाने में मुझे आप लोग मोहर लगाकर मुझे जिताइएगा। सर, हमारा एक सवाल है सर, जैसा कि हमने कल भी कवरेज किया था तो मैं अपने वार्ड और आपके मतलब जो वार्ड नंबर 1 है उन लोगों के लिए आप बताइए कि आपने क्यों कांग्रेस छोड़ा। देखिए, मैं तो कांग्रेस नहीं छोड़ा, कांग्रेस मुझे छोड़ दिया। बट सर क्यों? देखिए, वो तो अभी ऐसा है कि मतलब जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम मतलब जो कुछ गठबंधन था, बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि गठबंधन TDP के साथ में भी था बट उन लोगों ने TDP को छोड़ दिया, मगर उन लोग कांग्रेस को मतलब उन लोग जो DMK पार्टी को जो पकड़ा, मगर उन लोग जो छोड़ा जो गलती किया, क्योंकि मुझे मालूम है सबसे पहला बात। देखिए, TDP पार्टी मतलब जो 2019 में पूरा मेहनत किया था, उन लोग भी मतलब मेरे साथ मिलकर काम किया था। मुझे याद है कांता भाई मेरे साथ था, कंधा में कंधा मिलाकर वार्ड नंबर 1 में हम लोग 2,300 वोट लेने के लिए बहुत मेहनत किया था। बट हमको आज तक समझ में नहीं आया उन लोग मतलब क्यों छोड़ा। और एक कारण ये भी है, देखिए, एक नंबर वार्ड में मैक्सिमम तेलुगु पीपल रहता है और आपके मतलब जो अभी जो जैसा 9 नंबर वार्ड हो या 15 नंबर वार्ड हो या 4-5 नंबर, जितना मैक्सिमम वार्ड में जो तेलुगु पीपल जहां रहता है वो सबको जो है कांग्रेस पार्टी खो गया और कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। मतलब उनको कांग्रेस पार्टी को जो है तेलुगु वोटर्स का जब सपोर्ट जरूरत नहीं है, तमिल वोटर्स का सपोर्ट जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको मतलब आप लोग सबक सिखाइए कि मतलब हम लोग सब है तो ही कांग्रेस पार्टी था, बट अब आगे जो है तेलुगु पार्टी पार्टी रहेगा, तेलुगु देशम पार्टी भी है, तेलुगु देशम पार्टी आगे चलेगा, जरूर रहेगा। सर, क्या आपने सही निर्णय लिया? ये निर्णय जो है मैं नहीं लिया, ये निर्णय जो है हमारे पूरे आईडो वार्ड नंबर 1 के पूरे पब्लिक, क्योंकि हमारे पास बहुत फोटो है, हम आपको शेयर करेंगे, आप देखेगा सारे लोग मतलब हम जब मतलब मुझे सीट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला तो हमारे जो सपोर्टर्स मतलब 2 दिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के सामने बिना खाए बिना पिए रात मतलब 10:30 बजे तक लड़े, उनसे भीख मंगा कि सौल भैया को सीट दे दो, सौल भैया को सीट दे दो, सौल भैया को सीट दे दो। बट वो लोग ने मतलब जो हमें धोखा दिया, हमारे कम से कम मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, हमारे जितने वार्ड नंबर उनके माँ बहन लोग जो है उन सबका दिल को तोड़ा है। इस वजह से मतलब जो है हमको मतलब उनको छोड़ना पड़ा और इनका वजह से मतलब इन लोगों सबने मिलकर मतलब जो है मुझे तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन किया है। तो मेरे को पूरा जनता के ऊपर, मेरे माँ बहन के ऊपर पूरा भरोसा है कि उन लोगों ने जो निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है और उनके निर्णय के साथ मैं खड़ा हूँ।
सर, दो तीन दिन से हम सोशल मीडिया में ये ट्रेंडिंग देख रहे हैं कि आपके साथ वहाँ पर कांग्रेस के जो कांग्रेस भवन में आपके साथ काफी ज्यादा सपोर्टर्स थे, इनके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही गलत निर्णय लिया एक, क्योंकि आपके साथ तो वार्ड नंबर वन और भी बहुत ही मतलब वार्ड के लोग है, खास करके तेलुगु पीपल्स, आप उनके लिए कुछ आप एक दो शब्द कहिए। देखिए, पूरा पॉपुलर के लोग हर लोग मत जाए मेरा, क्योंकि मैं बचपन से मतलब यहीं पैदा हुआ, मैं यहीं स्कूलिंग किया, मैं यहाँ से यहीं कॉलेज पढ़ा, यहीं पॉपुलर में नौकरी, मतलब मेरा 55 प्लस एज है, मेरा 55 एज हो गया है, तो मैं रात दिन, और सबको मालूम है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, और मैं रात दिन मैं अक्सर मतलब जाए हमारे वार्ड नंबर वन के कारण नहीं, पूरे पॉपुलर में मतलब कहीं ना कहीं हर किसी को मतलब कोई मदद करना है, सोशल सर्विस करना मेरा फर्ज है, मदद करने के लिए मैं सोचते रहता हूँ। मैं अभी भी मैं कहता हूँ अगर मैं जीत के आऊँगा तो मैं ऐसा काम करूँगा जो आज तक यहाँ पर जीत के लोग वोट लेते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद पहले मतलब जो ऐसा करते हैं उसके बाद उनके निशान ऐसा है हम काट देंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आज जैसे हाथ झुका के सर झुका के उनके सामने खड़ा है, मैं अगला 5 साल बाद मैं ऐसे ही रहूँगा और उनके लिए मैं रात दिन कंधा से कंधा मिलाकर उनके हर समस्या के लिए हर वक्त हर चीज़ के लिए मैं लड़ूंगा और उनके लिए मैं सोशल वर्क करते रहूँगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।